गोरेपन के नाम पर मार्केट में मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री चल रही है, जबकि कोई भी प्रोडक्ट हमें गोरा नहीं बना सकता है। और एथिकली मेरा भी ये मानना है कि रंग का गोरा होना या ना होना हमारी लाइफ में कहीं भी मैटर नहीं करता। हालांकि कुछ होम रेमेडीज़ को यूज़ करके हम अपनी स्किन से टैन हटा सकते हैं, डेड सेल्स को हटा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो कुछ शेड लाइटर हो जाएगी और साथ में स्किन पर एक ग्लो भी आएगा, तो ये हमारे लुक को थोड़ा एनहांस करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। ब्यूटी सेक्शन में आज हम बात करेंगे एक राइस से बनने वाली फेस क्रीम के बारे में। इसको अगर हम रात को यूज़ करेंगे तो ये नाइट क्रीम का काम करेगी, और अगर हम इसको सुबह यूज़ करेंगे तो ये सन से प्रोटेक्शन देगी हमारी स्किन को। तो यहाँ आप ये तो समझ ही गए कि इसका मेन इंग्रेडिएंट राइस है। तो हम जब इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो हमारा राइस है वो हमें लेने हैं 2 चम्मच। इन चावलों को धो के भिगो दीजिए करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद इसको आपको पानी में उबाल लेना है, जैसे कि हम नॉर्मल राइस बनाते हैं। यहाँ हमें इसको ओवर कुक करना है ताकि ये चिपके चिपके हो जाएं। तो मैंने यहाँ पर ये ओवर कुक राइस लिए हैं। दूसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। लेमन हमें आधा लेना है, उसका हम रस निकाल लेंगे। तीसरा इंग्रेडिएंट है विटामिन ई ऑयल, ये हमें 1/2 टीस्पून लेना है। तो मतलब आप 1 कैप्सूल का विटामिन ई ऑयल निकाल लीजिए, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मुलेठी। मुलेठी का पाउडर हमें चाहिए, ये भी हमें 1/2 टीस्पून लेना है। तो जो हमारे ये राइस थे उबले हुए, हमें इसको बिल्कुल बारीक मैश कर लेना है चम्मच की हेल्प से, और उसके बाद एक पतले कपड़े से इसको हमें निचोड़ लेना है ताकि हमारे पास एक सीरम की रूप में एक पेस्ट आ जाए। अब इस पेस्ट में हमें बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और हम उसको जब तक ब्लेंड करेंगे जब तक कि हमें एक क्रीम की कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। अब हमारी राइस क्रीम बनके तैयार हो गई है। इसको हम एक कंटेनर में इकट्ठा कर लें और इसको हम फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये क्रीम हम दिन में 2 बार लगाएंगे तो हमें इसके मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब हम इसको रात में लगा रहे हैं, अपने फेस को साफ कीजिए, करीबन 2 मिनट अपने फेस पर लगाकर और नेक पर मसाज कीजिए इसकी। आप चाहें तो ओवरनाइट इसको छोड़ सकते हैं, एक नाइट क्रीम का इफ़ेक्ट आपको मिलेगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप इसको सुबह यूज़ करेंगे तो ये हमें सन से प्रोटेक्शन देगी, मतलब एक सनस्क्रीन का भी काम करेगी। दोनों टाइम लगाने से आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। हमने जो राइस यूज़ किए हैं ये हमारे स्किन से डार्क पैचेस को हटाएगा। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमने विटामिन ई ऑयल यूज़ किया है, हमारी स्किन में जो भी डैमेजेस हैं उसको रिपेयर करेगा, साथ में हमारी स्किन को रिजुविनेट करेगा। हमने जो लेमन यूज़ किया है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, तो हमारे फेस पर जो डार्क स्पॉट हैं, ब्लैक हेड्स हैं, स्कार्स हैं, उन सबको दूर करने में हेल्प होगी। और हमने जो इसमें मुलेठी पाउडर यूज़ किया है उसमें एक एक्टिव कंपाउंड होता है ग्लिबरडिन के नाम से, जो कि हमारी स्किन की टोन को इवन करता है, हमारे फेस से फाइन लाइंस और रिंकल्स को दूर करता है। तो टोटेलिटी में ये जो हमारी क्रीम बनके तैयार हो गई है ये हमारी स्किन की शेड को तो लाइट करेगी ही, साथ में एक एंटी एजिंग का भी काम करेगी। तो इस क्रीम को आप बनाइए, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में इजीली अवेलेबल हैं, इसको यूज़ कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको यूज़ करें और इसका फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।